हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि KTM Duke 390 का जो नया वाला मॉडल है वो इंडियन मार्केट में लगभग भाई आ ही चुका है और फाइनल फोटो तो आप लोगों के सामने आ ही चुकी है। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है, व्हाट अबाउट KTM Duke 200? जब Duke 390 आ गई तो भाई KTM Duke 200 का क्या अपडेट है, ये कब तक आएगी? आपके दिमाग में जरूर इस चीज का क्वेश्चन होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाले हैं अपकमिंग KTM Duke 200 के बारे में कि KTM Duke 390 तो आ रही है बट व्हाट अबाउट Duke 390। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग KTM Duke 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं चेंजेस के बारे में कि कंपनी इसमें क्या क्या चेंजेस करने वाली है। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों कि KTM जो Duke 200 रहेगी वो आपको सेम KTM Duke 390 की तरह फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। जो फोटोज हमें देखने को मिली वो Duke 390 की फोटो है, सेम जो लुक है भी कंपनी फिलहाल नहीं देगी, ये चीज मुझे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, नया लुक, नया जो डिजाइन है वो तो आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात कर ले चेंजेस के बारे में, दोस्तों Duke 200 में खबर आ चुकी है, ये 110% सही बात है कि अब आप लोगों को Duke 200 में सेम LED लाइट देखने को मिलेगी जो कि KTM की Duke 390 और KTM की Duke 250 में देखने को मिलता है। जी हाँ, वही सेम LED लाइट जो आपको बाइक में देखने को मिलेगी, इसके जो चांसेस है वो 110% है। भाई मैं ये भी बताऊंगा आपको आज फाइनल डेट के बारे में भी मुझे थोड़ा सा पता चला है, उसके बारे में भी बताऊंगा, बट ये जो अपडेट आपको बता रहा हूँ ये 110% कन्फर्म न्यूज है, आपको Duke 200 देखने को मिलेगी 110%। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक के ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में। अब ऑब्वियसली बात है, कंपनी ने अपडेट किया तो नया ग्राफिक एंड नया जो कलर ऑप्शन है वो भी कंपनी देगी। अब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ग्राफिक एंड जो कलर ऑप्शन है वो आपको एकदम नया देखने को मिलेगा एंड नया जो मतलब एकदम नया टाइप का जो ग्राफिक है कंपनी इसमें यूज करेगी जो पहले कभी नहीं किए, तो एकदम नई चीज जो आपको KTM Duke 200 में देखने को मिलेगा, ये भी जो मेजर अपडेट है दोस्तों वो आपको Duke 200 में मिलेगा। बात करें नंबर 3 का अपडेट जिसका हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, और वो है दोस्तों इस बाइक का स्पीडोमीटर। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अब आप लोगों को बाइक में फाइनली जो LCD पैनल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि लास्ट टाइम KTM की RC में भी यूज किया गया है वही सेम LCD पैनल आप लोगों को Duke 200 में भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, जिससे बाइक का लुक भी काफी बढ़ता है और बाइक का जो डिजाइन है वो भी आपको काफी बेहतर देखने को मिलता है। तो ये भी एक अपडेट आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ले दोस्तों एक और नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ये एक और नेक्स्ट अपडेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो है दोस्तों इस बाइक के अपना क्लच में। आपको बताना चाहूंगा, अभी तक आपको इस बाइक में नॉर्मल जो क्लच है वो आपको देखने को मिल जाता है, अभी तक बाइक में आपको जो है स्लीपर क्लच कंपनी ने नहीं दिया है। बट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, अब जो नई वाला मतलब Duke 200 आएगी उसमें आपको 110% जो स्लीपर क्लच है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक जो मेजर अपडेट है वो भी आपको बाइक में मिलने वाला है, तो कंपनी भी एक अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आएगी। दोस्तों बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है इस बाइक की ब्रेकिंग प्लेट्स। ये दोस्तों Duke 200 में अब आप लोगों को नई वाली जो ब्रेकिंग प्लेट्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अब वो ब्रेकिंग प्लेट्स कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट मैं श्योर हूँ दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों को जो है नई वाली ब्रेकिंग प्लेट मिलेगी जो कि नई वाली 390 में यूज किए हैं, मतलब RC में और सारी RC सीरीज में यूज किए हैं वाले से, वो वाली जो ब्रेकिंग प्लेट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो नया अपडेट है वो आपको बाइक में मिलने वाला है। बात कर ले नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक की टेल लाइट को लेकर। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगा जो टेल लाइट है इसमें भी कंपनी काम करेगी एंड जो नई टेल लाइट का जो डिजाइन है वो भी आपको बाइक में देखने को मिल सकता है। अब वो आने के बाद पता चलेगा हालांकि कैसा होने वाला है, बट मुझे उम्मीद है कि कंपनी इसमें आपको जो टेल लाइट निकाल कर देगी वो काफी बेहतर टेल लाइट यहाँ पे कंपनी इसमें निकाल कर दे सकती है। मुझे उम्मीद है जो टेल लाइट मिलेगी आपको वो भी इसमें आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो है दोस्तों इस बाइक का लॉन्च डेट। जी दोस्तों, लॉन्च डेट एकदम आपको फाइनली बता रहा हूँ, अगस्त मंथ में। जी हाँ, 110% जो है अगस्त मंथ में आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 100% चांसेस है मैं ये कह सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगी। ताकि कौन कौन नई वाली Duke 200 का वेट कर रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।